तब आज हमनी देखबे हरठा में कारक। एक पहले दू क्लास हमनी देखलिए संज्ञा और सर्वनाम, ओकरा में कहीं कोई दिक्कत ना भेलै। तोहिन के कमेंटवा पढ़ के बड़ी आनंद हमरा मिलल कि नाय सर एकदम आसान भ गए, कोई टफ न खे, बढ़िया बात है। यह नहीं तोहनी कमेंट करो तो हमरा बहुत अच्छा लागे है, और कमेंट करते रहिए है ना एकदम, और क्लियर क्लियर। चल आज देखबे हमनी कारक, देखबे कारक। कारक पहले हमनी समझ लीए कारक की हवे है और कारक ककरा कहल जाए। कारक जब व्याकरण में प्रयोग होवो है तो ओकर ई खातिर प्रयोग करल जाए कि ओकर से पूर्ण अर्थ निकलु है। जैसे उसने कहा तब यहाँ ने जे हकै से कारक हकै कि ना, ओकरा उदाहरण से हमनी समझ लब, ओकरा उदाहरण से हमनी समझ लब। कारक के माने है वो है पूर्ण अर्थ देता है, जकर से पूर्ण अर्थ मिलु है। किरंग मिलु है देखब, राम रावण लंका तीर मारा, एकर से कुछ भी ना समझ में अले की कह रहा है ये वाक्य से। राम रावण लंका तीर मारा ना समझ में अले, लेकिन कैसे एकरा में हम कारक जोड़ देब तो समझ में आ जते। जैसे राम ने, ठीक, राम ने रावण को लंका में तीर से मारा, तब यहाँ क्लियर भ गए, सबके अर्थ पूरा कर दलक। राम ने रावण को लंका में तीर से क्या किया, मारा, तब एक सब क्लियर भ गए। यदि ऊपर वाला सीधा पढ़ब तो वाक पूरा ना भे हुए, लेकिन जैसे हम कारक एक बैठा देब तुरंत ही वाक्य पूरा भ जित। और ये पूरा करे वाला काम, अर्थ पूरा करे वाला काम यहाँ करलक, ने को में से, यकरे कहल जा है कारक, यकरे की कहल जा है कारक। तब कारक तो ही बहुत बढ़िया समझ गए भी, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होते, ठीक, यकरे कहल जाए कारक। कारक के आठ भेद हवु है, आठ प्रकार है। एक हमने पहला जो है से देखब कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक में यदि हिंदी में देखल जाए तो वहाँ की लिखल रू है, कर्ता ने, की लिखा है कर्ता ने। जैसे जैसे उदाहरण में देखते तो परिभाषा भी समझ लीजिए। कर्ता कारक में कुछु ना लागे, खोरठा में लिखल है, एक परिभाषा ये है कि यदि खोरठा पढ़ल जीते कर्ता कारक में तो कुछ ना लागे, यानी शून्य। यहाँ जो विभक्ति लगते कौन चीज लगते, शून्य, या फिर ओकरा कहल जा पा रहे कुछ ना लागे। जैसे हिंदी में की लिखा है कर्ता में कारक ने, जैसे अकरा हिंदी में एक उदाहरण देखो, ये सीता ने गाया, तब यहाँ ने जे कहे वो हिंदी के अनुसार आयल है सीता ने गाया, लेकिन एकरा यदि हम खोरठा में बदलब, अपन भाषा में बदलब तो की लिखते, सीता गैलक, तो यहाँ कहूँ कारक के प्रयोग भेलै, कहूँ नहीं भेलै, कहूँ नहीं भेलै, तब सीता ने गाया, सीता गैलक, यहाँ कहूँ भी कारक नहीं लागल, एकर मतलब भेलै कि कर्ता कारक खोरठा में शून्य विभक्ति लागू है या कुछ नहीं लागे। ये क्लियर भै गए। एहन ये दू चार यार उदाहरण लेब, राम ने खाया, रमे खैलक, रमे खैलक, रावण ने मारा, रावण मारलक, तब ककरो में भी कोई भी कारक के विभक्ति नहीं लाग रहा है, इसीलिए कर्ता कारक खोरठा में शून्य विभक्ति ला कहल जा है, यानी कुछ ना लागे, एकदम साफ भ गए। ऐसने उदाहरण तो नहीं कॉपिया में आठ दस गो अपने बनाए ले भी, एकरे पर सीता ने गाया सीता गलक, राम ने खाया राम खैलक, तो कुछ ना लाग रहा है, लेकिन हिंदी में ने लागू है और यहाँ शून्य हो जाए। अगला देखब कर्म कारक, अगला कौन है कर्म कारक, दूसरा नंबर कर्म कारक। एक तनि समझ लेब, कर्म कारक में लिखले चलब तो नहीं एकदम आराम से पढ़ब। कर्म कारक में को जगह पर के ऑब्लिक रा होवे है, ना समझ में लो एक ये समझ। कर्म कारक में जहाँ भी हिंदी में को लिखते कर्ता, वो खोरठा में जैसे ये भाई वहाँ की बदल जीता है
के या राम में बदल देते, की बदल जाता है के या राम में। एक दोनों पर एक उदाहरण देखो, के पर भी देखो रा पर भी, किरण को जो है वो बदल जाए। जैसे हिंदी में समझ लीजिए, रावण को मारा, ये हिंदी में है और हिंदी कारक के अनुसार को लिखल है, रावण को मारा। अब आओ ये खोरठा में, रावण क्या मारलक है, यहाँ क्या बदल गए, को कौन जगह बदल गए, बढ़िया से समझ। ई को जो है से यहाँ ककरम बदल गए के में, रावण को मारा, रावण क्या मारलक है। ठीक, अगला देखो, ये अगला उदाहरण रा पर एक देख लो, उसको कहा वकरा कहलकै, कहलकै तो यहाँ ककरम बदल गए, को यहाँ ककरम बदल गए रा में। तब हमने देखलिए कर्म कारक में जहाँ हिंदिया में को रहो है, खोरठवा में ककरम बदल जा है के या रा में। एकदम बढ़िया से लिख लेवे अपन कॉपी में, और एक पर आठ दस भी उदाहरण लिख लेवे। रावण को मारा हिंदी में है, खोरठा में रावण क्या मारलक है, उसको कहा हिंदी में, खोरठा में वकरा कहलक है, यह नहीं तुमको कहा त्वरा कहलक है ना, उन लोगों को कहा वकिन क्या कहलक है, तुमको में राय आ गल, वकिन उन लोगों में क्या आ गल, वकिन में को या के आ गल, वकिन के कहलक। ठीक, यहाँ तक तुम ककरो दिक्कत ना होते और लिख लेवे। ठीक, आगे चलो, ये तीन नंबर में करण कारक, खोरठा में करण कारक, एक सब बड़ी बेर क्वेश्चन पूछ लिए करण कारक, एक की हो बढ़िया समझ में। करण कारक में से जगह पर ये आय वाय आय वे के प्रयोग भी है, एक तरी समझ, एक उदाहरण भी देखे हमने, से जहाँ भी हिंदी में रहता है वकर जगहिया में ये आय वाय आय वे के प्रयोग करल जाता है। किरण देख, छड़ी से मारा हिंदी में है, छड़ी से मारा, एक खोठम बदल पे सोटा ही पिट ली, पिटलाई सोटा ही पिटलाई, यहाँ ए के प्रयोग आ रही नहीं, यहाँ ककर प्रयोग आ रहा है ए के आ रे, तो खोरठा में ये लाग गए सोटा ही पिटलै। यार एक देखो, ये एक प्रयोग देख लीजिए, छड़ी से मारा सोटवाई सोटलै, एक प्रयोग भले वाई के, छड़ी से मारा सोटवाई सोटलै, एकर पर भी हम लोग देख सको, ये छड़ी से मारा सोटवाई सोटलियै, सोटवाई सोटलियै, एकरो से बन सको छड़ी से मारा सोटवाई सोटलै, सोटवाई सोटलै। तब एकरा में क्लियर भ गेलै, करण कारक हिंदी में जहाँ से रहे है, खोरठवा में जैसे लिख में ये आय वाय आय के प्रयोग करके लिखल जाता है, ये करण कारक भ गए। क्लियर है यहाँ तक, साफ साफ है ना, फरिच रह चाहिए, बाझल नियर ना फरिच। ठीक, अब ये चौथा नंबर पर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, हिंदी में की लिखा है संप्रदान में, के लिए, हिंदी में की लिखा है के लिए, और के लिए जगह पर, जगह में खोरठा में लिखे खातिर, खातिर लागिन ले लाई, लाई के भी प्रयोग में हुए, लाई के प्रयोग हुए वायद रख में, हम इन्हें तनि लिख दिए लाई, यदि नाय देखते तो वहाँ लिख लेवे, सुन रहा है। ठीक है, लाए खातिर लागिन ले लाए के प्रयोग हुए खोरठवा में, ककर खातिर के लिए, संप्रदान कारक में के लिए, खातिर में के लिए जगह पर खातिर लागिन ले के प्रयोग करल जाए, है ना। जैसे उदाहरण से देखब, उदाहरण से देखब, उसके लिए खरीदे किए, उसके लिए खरीदे है ना, वकर ले किनले ही है, वकर ले किनले है, यहाँ ककर प्रयोग हो गए बबुआ ले के, ककर खातिर के लिए खातिर, एक प्रयोग एक रूप में देखब, वकर उसके लिए खरीदे, वकर खातिर किनल है, वकर खातिर भेज ले यहाँ, यो अगला एक अगार देखो लागिन पर, उसके लिए खरीदे, वकर लागिन किनल है, तो लागिन आ गए, ओकर लागिन, एक लाइव पर भी देख लो भाई, लाइव पर देख लो भाई, वो उसके लिए खरीदे, वकर लाए किनल है,
ओकर लाए किनल है। एक चारू के प्रयोग के लिए जगह पर खोरठा में यकरा करल जा है और चारों में चारू सही है जकर आधार जकर क्षेत्रीय आधार पर ले खातिर लागिन प्रयोग अपन अपन भाषवा में करो है करत हते मैं अपन जगहिया में ले खातिर लागिन साब लिख सकूँ कहीं कोई दिक्कत ना है। चारू के चारू प्रयोग सही है। अब हमने पाँचवा नंबर देखें भाई पाँचवा नंबर देख जे बचल है एक में चार गो कारक वो पार्ट टू कारक में डाल देवे लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो तो नहीं बढ़िया लगते तो पूरा खोरठा हम पूरा कर देवे ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करबे जे बचल है पार्ट टू में हम कर दियो।